दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक वर्क द सन ऑल्सो राइजेस। दोस्तों ये वर्क जो है ये इनके कुछ वर्क्स में से बहुत ही फेमस वर्क है। ये जो वर्क है ये वॉर से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ वर्क है। इसके अलावा ये जो नोवेल है इससे काफ़ी लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। इस पर दोस्तों स्क्रीन प्ले भी हुआ था, मूवी बन चुकी है। कहने का मतलब इसको 1925 से 1926 के बीच में लिखा गया था, 1926 में इसको पब्लिश करवाया गया था और इसका फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। आज जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं। इस कहानी का नरेटर है जैक बार्न्स नाम का एक आदमी जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ा था। ये सबसे पहले इस कहानी में अपने एक फ्रेंड रॉबर्ट कॉर्न के बारे में बताता है। रॉबर्ट कॉर्न इस जेक की ही तरह अमेरिकन है और अभी पेरिस में रह रहा है। ये एक रिच ज्यू फैमिली से है, मतलब एक ज्यू है, लेकिन इसने जेक की तरह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा नहीं लिया था। अभी ये एक ज्यू राइटर है और रिसेंटली अभी इसने एक अपनी नोवेल को पब्लिश किया है। और ये प्रिंसटन में अपने कॉलेज में एक मिडिल वेट बॉक्सिंग चैम्पियन भी रह चुका है, ठीक है। और एक वुमेन फ्रांसिस क्लाइन के साथ में रहता है। वो वुमेन बस इसको यूज़ कर रही है इसके पैसे के लिए, इसके साथ में है। और उस वुमेन की एज भी बढ़ती जा रही है, तो वो वुमेन चाहती है कि ये इससे शादी कर ले रॉबर्ट से। फिर रॉबर्ट कॉर्न एक बहुत ही रोमांटिक ट्रैवलिंग की नोवेल पढ़ता है और उसे पढ़कर इसको लगता है कि कहाँ मैं अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा हूँ। ये जेक के पास में जाता है और जो कि अभी एक जर्नलिस्ट है, इस जेक से बोलता है कि हम लोग साउथ अमेरिका चलते हैं एक ट्रिप पर, लेकिन जैक मना कर देता है। अब उस रात दोस्तों ये जैक, रॉबर्ट, ये सारे के सारे दोस्त जब बाहर जाते हैं तो इस जैक की मुलाकात होती है लेडी ब्रेट से। ये लेडी ब्रेट एक इंडिपेंडेंट लेडी है जो कि एक इंग्लिश लॉर्ड की वाइफ हैं और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये एज अ वॉलंटियर वहाँ पर मौजूद थी। तो जैक की वर्ल्ड वॉर में मुलाकात हुई थी इस लेडी से, है ना, और इसने जैक की हेल्प की थी वॉर में। जब जैक लड़ रहा था उस वक्त ये घायल हो गया था, तो ये इसको ट्रीट कर रही थी। तो ट्रीट करने के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और ये जैक को बताती है कि ये अभी भी इससे प्यार करती है। जैक भी करता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इन दोनों में से कोई भी साफ साफ नहीं बोल रहा। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये जैक जो था वर्ल्ड वॉर में जब ये लड़ रहा था उस वक्त एक इंजरी हुई इसको। उस इंजरी के बाद ये एम्पटेंट बन गया, मतलब नपुंसक। तो ब्रेट एक ऐसे आदमी के साथ में नहीं रह सकती थी जिसके साथ रहकर उसको सेक्स छोड़ना पड़े। तो ये दोनों साथ में नहीं रह सकते थे, एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। खैर, फिर इन दोनों की अगले दिन मिलने की बात हुई कि हम दोपहर को मिलेंगे वापस। दोपहर को मिलने का प्लान बनता है इनका। अगले दिन दोस्तों ये जैक और रॉबर्ट साथ में लंच कर रहे थे, तो जैक ने ब्रेट के बारे में इसको रॉबर्ट को बताया, अपने दोस्त को बताया। अब इसके बारे में सुनकर इसको क्रश हो गया, रॉबर्ट को भी ब्रेट पर क्रश हो गया। लेकिन जब जैक ने उसको बताया कि उसने बताया जैक ने बताया जिसको सुनकर वो अपसेट हो गया कि जल्द ही ब्रेट की शादी हो रही है एक स्कॉटिश आदमी माइक के साथ में। अब दोस्तों इस लेडी ब्रेट के बारे में आपको बता दूं कि इसके बहुत सारे अफेयर्स हैं। अब ये जैक को बोलती है कि हम दोनों का पास रहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं कल सैन सेबेस्टियन जा रही हूँ। सैन सेबेस्टियन एक बीच है स्पेन में, वहाँ पर ये जा रही है। और बड़ी अजीब बात थी कि रॉबर्ट जो था इसका दोस्त, ये भी पेरिस छोड़कर कुछ टाइम के लिए चला गया था उस कंट्री से बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए। अब कुछ हफ्ते गुजरते हैं, ये अकेला था जैक। तो एक इसका आर्मी फ्रेंड इसके पास में आता है जिसका नाम है बेल गॉटन। वो पेरिस आता है, तो ये दोनों दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम लोग स्पेन चलते हैं फिशिंग करने के लिए, फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे बुल फाइटिंग के लिए पैम्पलोना, ठीक है। फिर उसके बाद रास्ते में रॉबर्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे, ये इनका प्लान था। लेकिन उसी दोपहर इस जेक की मुलाकात होती है ब्रेट से। ब्रेट जो कि सैन सेबेस्टियन से लौट आई थी और अभी अपने फियांसी माइक के साथ में थी। अब माइक और ब्रेट ये दोनों भी इनके साथ में आना चाहते थे, तो मान जाते हैं, भाई चलो तुम भी चलो। तो ब्रेट प्राइवेटली इस जेक से पूछती है कि रॉबर्ट भी वहाँ पर आ रहा है क्या।
दरअसल वो बता देती है जैक को कि सैन सेबेस्टियन जो बीच पर मैं गई थी वो रॉबर्ट के साथ में गई थी, तो रॉबर्ट के साथ में भी इसका अफेयर है। ठीक है, तो ये लोग भी जाते हैं इनके साथ में। अब ये बिल और जैक मिलते हैं रॉबर्ट से फ्रांस में, और फिर ये तीनों जाते हैं पैम्पलोना के लिए। ठीक है, और रास्ते में वो ब्रैट और उसका फियांसे माइक आ रहे थे, सफ़र कर रहे थे जब, तो ब्रैट की हालत ख़राब हो गई रास्ते में, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो बीमार हो गई। तो ये रॉबर्ट बोलता है कि तुम लोग चलो, मैं इसका वेट करूँगा, ब्रैट का वेट करूँगा। लेकिन जैक और बिल तो चले जाते हैं स्पेन अपने फ़िशिंग के लिए। अब 5 दिनों तक जैक और बिल फिशिंग करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं और याद करते हैं अपने पुराने आर्मी के दिनों को, जब ये फ्रेंड्स थे वहाँ पर आर्मी के दिनों में। लेकिन 5वें दिन इनको याद आता है कि ब्रैट और माइक दोनों जने पैम्पलोना आने वाले हैं, तो ये इमिजिएटली वहाँ से निकल जाते हैं उनसे मिलने के लिए पैम्पलोना में। अब पैम्पलोना में ये सारे के सारे लोग, जैक, बिल, रॉबर्ट, माइक, ब्रैट, ये सारे के सारे मिलते हैं और एक मेंटोया नाम के आदमी के होटल में रहते हैं। ये मेंटोया बुल फाइटिंग बहुत पसंद करता है, जो बुल्स की फाइटिंग होती है वो बहुत पसंद करता है, और जैक को भी इसी बुल फाइटिंग में बहुत ही इंटरेस्ट है। अब ये सारे के सारे यहाँ पर मिलते हैं और बुल्स को देखने पहुँचते हैं। अब दोस्तों, इनमें से ये जो माइक था, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये रॉबर्ट इसकी वाइफ का पीछा कर रहा है, मतलब ये रॉबर्ट इसकी वाइफ का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये जब देखो तब इस रॉबर्ट पे ताने मारता रहता है। ठीक है, ड्रिंकिंग और डांसिंग चलती रही वहाँ पर। बुल फाइटिंग के पहले दिन 19 साल का एक लड़का था, एक बुल फाइटर पेड्रो रोमेरो, वो सब में अलग ही दिख रहा था, अलग ही बुल फाइटिंग कर रहा था, बहुत अच्छी कर रहा था। तो इस ब्रैट को उस लड़के पे भी क्रश हो गया। इस ब्रैट को बुल फाइटिंग में बहुत मज़ा आ रहा था, वो चाहती थी कि ये जेक ले जाकर उस पेड्रो रोमेरो से इसको इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, लेकिन मोंटोया ये नहीं चाहता था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था मोंटोया को कि ये लेडी उस लड़के को करप्ट कर देगी, 19 साल के लड़के को करप्ट कर देगी। ठीक है, यहाँ दूसरी तरफ माइक रॉबर्ट को ताने मारे जा रहा था। अब ये दोनों बस लड़ने ही वाले थे, माइक और रॉबर्ट, कि जैक आकर इन दोनों को अलग करवा लेता है। अब उस रात दोस्तों, इस ब्रैट के कहने पर ये जैक उस पेड्रो रोमेरो से उसको मिलवाता है, ब्रैट को मिलवाता है। फिर ये ब्रैट और पेड्रो रोमेरो साथ में घूमने चले जाते हैं, ब्रैट इस रोमेरो के साथ में कहीं घूमने चली जाती है। अब अगली रात दोस्तों, ये जैक माइक और बिल के साथ में था, इन दोनों ने पी रखी थी माइक और बिल ने। तो रॉबर्ट यहाँ पर आता है और इनसे पूछता है कि ब्रैट कहाँ पर है, तो बात बढ़ जाती है। ये रॉबर्ट माइक और जैक दोनों को पीट कर वहाँ से होटल रूम में चला जाता है। फिर जैक इसके पास में जाता है तो वो कमरे में रो रहा था अकेला, वो जैक से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। अब सुबह हुई दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये रॉबर्ट और रोमेरो, पेड्रो रोमेरो, इन दोनों के बीच में भी कोई बात हो गई थी, अनबन हो गई थी, तो रोमेरो ने इसको पंच भी मारा रॉबर्ट को। और अगली रात को इस जैक को क्या पता चलता है कि पेड्रो रोमेरो और ब्रैट कहीं चले गए हैं साथ में, मतलब वो अपने फियांसी माइक को भी छोड़कर उस पेड्रो रोमेरो के साथ कहीं चली गई। इसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट तो जा चुका था, ये जैक, माइक और बेल, ये तीनों भी जाते हैं अपने घर, अपने घर का रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर तीनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद जैक फैसला करता है कि वो पेरिस नहीं जाएगा, पेरिस जाने के बजाय वो सैन सेबेस्टियन जाएगा। वो सैन सेबेस्टियन जाता है, थोड़ा आराम से रेस्ट करता है वहाँ पर, तभी इसको एक टेलीग्राम आता है ब्रैट की तरफ से। टेलीग्राम में क्या लिखा हुआ था कि वो मैड्रिड में है इस वक्त और उसको हेल्प चाहिए। ये इमिजिएटली वहाँ पर जाता है, वहाँ इसको पता चलता है कि ब्रैट ने उस लड़के पेड्रो रोमेरो को छोड़ दिया। रीज़न क्या था, क्योंकि वो पहली बात तो उस लड़के को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, करप्ट नहीं करना चाहती थी, दूसरा वो लड़का इससे कुछ अलग ही मांग कर रहा था। क्या मांग कर रहा था, कि ये अपने बाल बढ़ाए। मैं आपको बता दूँ कि ये छोटे छोटे बाल रखती है, तो उस लड़के पेड्रो रोमेरो ने इसको कहा कि तुम ट्रेडिशनल वुमेन की तरह एक्ट करो, अपने बाल बढ़ाओ, ट्रेडिशनल वुमेन की तरह बन जाओ, तो इसलिए उसने उस लड़के को छोड़ दिया। और इसके बाद इसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे, तभी इसने जैक को यहाँ पर बुलवाया। अब जैक इसके पास आ गया है। इसके बाद ये लोग टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी में होते हैं साथ में, तब ये जैक से बोलती है कि इसने फैसला किया है कि अब ये कोई बिच नहीं बनना चाहती,
और इससे बोलती है वी कुड हैव हैड सच अ डैम गुड टाइम टुगेदर। और जैक रिप्लाई करता है इजंट इट प्रिटी टू थिंक सो। और इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म होती है दोस्तों। इस नोवेल में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का आइडिया है लॉस्ट जनरेशन का। दोस्तों इस नोवेल का मेन आइडिया है लॉस्ट जनरेशन। सरफेस से ऊपर ऊपर सतह से तो ये एक सिर्फ लव स्टोरी लगती है, लॉस्ट जनरेशन का आइडिया है लॉस्ट इन द सेंस डिसऑरिएंटेड, डायरेक्शनलेस, गुमराह जनरेशन। ये नोवेल जो है एक रिकॉग्निशन है उस टाइम पर जो जनरेशन वॉर में लड़ी थी, वर्ल्ड वॉर में लड़ी थी, उनमें एक ग्रेट कन्फ्यूज़न था। वॉर के बाद के सालों में वो एमलेसली घूम रहे थे। और ये टर्म पर्टिकुलरली अमेरिकन आर्टिस्ट के लिए यूज़ की जाती है जो 1920s में पेरिस में रह रहे थे। गर्ट्रूड स्टाइन ने इस टर्म को खोजा था और पॉपुलर किया था अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। सरफेस से तो ये नोवेल एक लव स्टोरी लगती है, लेकिन इसके अंदर का आइडिया लॉस्ट जनरेशन है। आई होप आपको ये नोवेल समझ में आई होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।